नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र का आज एक नया आदेश जारी हुआ। आज 10 जून है और आज ये जारी हुआ है मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए है और मध्य प्रदेश के समस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को ध्यान देना है क्योंकि उनको ये काम करना है। तो मध्य प्रदेश के समस्त अध्यापक शिक्षक देखें और अपने विचार इस आदेश पर जरूर लिखें। तो आइए आदेश का अध्ययन कर लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज ये आदेश जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र से। 10 जून को लिखा है, प्रति जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय है शिक्षा सत्र 2019-20 की कक्षा 3 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 की वर्क बुक आओ करें और सीखें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु। संदर्भ है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक आप देख पा रहे हैं 24 फरवरी 2020 में। लिखा है उपर्युक्त संदर्भित विषय में लेख है कि सत्र 2019-20 में दक्षता उन्नयन के अंतर्गत कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को मूलभूत दक्षताओं के अभ्यास हेतु अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई थी जिन्हें जिले की समस्त शालाओं में सत्रांश पर शाला में सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः सभी विद्यालय के विद्यार्थियों की कक्षा उन्नयन अभ्यास पुस्तिकाएं यानी वर्कबुक यथासंभव उन्हें कोविड-19 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएँ जिससे विद्यार्थी अपने घर में रहकर भी अपना अभ्यास कार्य कर सकें। आप देख सकते हैं लोकेश कुमार जाटव आयुक्त हैं राज्य शिक्षा केंद्र के, इन्होंने ये आदेश जारी किया और नीचे प्रतिलिपि भी दिया है। तो दोस्तों, अब मध्य प्रदेश के सभी PS और MS के जो शिक्षक अध्यापक हैं उनको यह कार्य करना है ताकि बच्चों तक ये पुस्तकें पहुंच सकें। दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें, सुझाव लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे इसलिए आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।